न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, न्यूज वॉइस में मैं हूं आपके साथ अजय सागर अत्री। रेवाड़ी जिला में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे धारवाड़ा नगर पालिका की। धारवाड़ा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बजाय गठबंधन की जो सरकार प्रदेश में है उसकी जननायक जनता पार्टी की तरफ से यहाँ अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। चेयरमैन के उम्मीदवार यहां से राव मानसिंह जो कि जेलदार परिवार से आते हैं उनको यहां मैदान में उतारा गया है। किस तरह की तैयारियां राव मानसिंह ने की हैं, हालांकि पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो जेलदार परिवार न केवल अपने आप में धारवाड़ा वासियों के लिए मिसाल है बल्कि पिछले 40 सालों के दौरान इस परिवार ने क्षेत्र की जनता के लिए जो कार्य किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है। क्योंकि राव इंद्रपाल जो कि इसी परिवार से आते हैं वो टूरिज्म के चेयरमैन रहने के साथ साथ एसएस बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साथ ही साथ सरपंची भी लंबे समय से इसी परिवार के पास रही है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि इस परिवार का धारवाड़ा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब राव मानसिंह भी उसी परिवार से हैं, एक युवा चेहरे हैं, पहली बार जननायक जनता पार्टी ने उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर राव मैदान में उतारा है। किस तरह की तैयारियां राव मानसिंह ने चुनाव को लेकर के की है इसी को लेकर के आज उनसे सीधे रूबरू होंगे। राव मानसिंह बात करेंगे, किस तरीके की तैयारियां आपने यहाँ की है। तो न्यूज वॉइस के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक की पार्टी की मैं बात करूँ, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड को मेरा धन्यवाद, उनके दोनों की गठबंधन की सीट मिली है तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनके हाई कमांड का और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि तो तैयारी हमारी ऐसी है, हमने तीन विभाग उसमें घोषित कर दिए हैं, एक तो सोशल मीडिया का, एक अपने डोर टू डोर मीटिंग का और एक अपना डेली का कार्यालय है। मतलब जैसे हर जगह जाके प्रोग्राम का कर रखा है, जैसे हर जगह जाएंगे हम एक प्रोग्राम डेली हर जगह करवाना है हमें। पर हमें रिस्पांस में एक बात बोलना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों से। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ तैयारियां कर ली गई है, ड्यूटियां बांट दी गई है और हर वर्ग का आप बता रहे हैं कि समर्थन भी मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है, हाँ जी मेरा मतलब जी। तो इसमें बड़ी बात यह है कि काफी सारी समस्याएं हैं जो कि एक तरह की चुनौती यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी तक उनका निदान लंबा समय बीतने के बावजूद नहीं हो पाया। जिला प्रशासन द्वारा अनेक बार प्रयास किए गए, जो लगता हुआ प्रदेश राजस्थान है उसके भिवाड़ी क्षेत्र से एक दूषित पानी जो इस क्षेत्र के अंदर आता है उसको लेकर के प्रशासन के अनेक प्रयास के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। जबकि नगर पालिका के आप चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और तैयारियों में लग गए हैं, क्या कुछ योजना रहेगी इसको लेकर? इसको लेकर योजना हमारी ये है, हम पूरी कोशिश करवाएंगे कि हम उसको रुकवा पाएं। और जैसे कि जेजेपी और भाजपा की सरकार है सेंटर में तो हमें ग्रांट भी अच्छा मिलेगा कि हम लोगों का काम भी अच्छे से करवा पाएंगे। हमारी तो पूरी प्रयास रहेगा रुकवाने का और हम अपनी पूरी जी जान लगवा देंगे। आपके नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है जैसा कि आपने बताया और इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के नाम पर ही प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार इस समय सत्तासीन है। जो समस्याएं हैं यहाँ की, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दो चार अक्सर होना पड़ता है। बात करें एक ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर है, कई जगह जर्जर हाल जो सड़कों की समस्या है, इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट की समस्या है, एक सीसीटीवी कैमराज की, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है ये और विश्व के मानचित्र पर कहीं ना कहीं एक अपनी अलग पहचान रखता है। तो ऐसे में किन समस्याओं के लिए क्या कुछ कार्य योजना आपके दिमाग में है, आपकी पार्टी ने क्या कुछ इसके लिए अभी तक काम किया है और क्या आप काम करेंगे? एक तो ट्रैफिक की आपने ये बात सही कही, बहुत ज्यादा समस्या है तो उसके लिए हमने ये सोचा है ट्रैफिक लाइट्स और सीसीटीवी सर्वेलेंस तो एक्सीडेंट्स में काम आ जाएंगे, वो उस विभाग में एक्सीडेंट्स के उस प्रोन एरियाज में जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उसमें हम सीसीटीवी सर्वेलेंस लगवा देंगे। और जहां तक की ट्रैफिक की बात रही तो जितनी ज्यादा हमसे हो पाएगा ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति होगी उतनी ज्यादा ड्यूटीज लगाई जाएगी, हर जगह ट्रैफिक पुलिस ज्यादा लगाई जाएगी हमारे हिसाब से ताकि ट्रैफिक कम हो इस हिसाब से। और रेड लाइट की भी आवश्यकता है यहाँ पर, रेड लाइट ट्रैफिक पुलिस से नहीं निपट सकती। रेड लाइट्स की बात है तो रेड लाइट्स जिन एरिया में ज्यादा जरूरी होंगी तो उन एरिया में हम पक्का उस चीज का व्यवस्था करेंगे। जैसे कि मेरे को एक लगता है कि हीरोंडा चौक है यहाँ पे लगवाई जा सकती है, बाकी आगे हम बात करेंगे क्योंकि मेरा भी पहली बार है तो ये देखते हैं अभी जहाँ पे लोगों की राय लेके हम सही लगेगा तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स का भी। एक सफाई की बात करें, सफाई अभियान हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी रहेगा, हर वार्ड में हर एरिया में डस्टबिन लगवाने का हम काम करें।
पार्कों के सुंदरीकरण की बात करें, क्योंकि एक औद्योगिक कस्बा है और बाहर के दूसरे राज्यों के भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, जबकि स्थानीय लोग भी करीब 22,000 मतदाताओं वाला ये नगर पालिका जो है। तो ऐसे में पार्कों के सुंदरीकरण को लेकर क्या कुछ योजना? हमारा ये मकसद है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क को ऐसा बनाना है कि लोग बाहर से उसको देखने आए। कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि धारवाड़ा एक नया धारवाड़ा बनाया जाएगा आपके चेयरमैन बनने के बाद। नया धारवाड़ा और युवा धारवाड़ा के जी। तो ये थे हमारे साथ राव मान सिंह, जो कि जननायक जनता पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार यहां से हैं, चुनाव मैदान में हैं, और किस तरह की तैयारियां पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से यहां पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जेलदार परिवार का जो अभी तक यहां पर एक लोगों के अंदर एक मिसाल रही है जेलदार परिवार, तो वो आगे भी कहीं ना कहीं राव इंद्रपाल भी जो कह चुके हैं कि दादा के अधूरे कामों को अब उनका पोता ही पूरे कराएगा, तो ये अब देखने वाली बात होगी। और 27 तारीख को जिस तरीके से मतदान होगा तो फैसला तो 27 के बाद ही आ पाएगा, लेकिन ये अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाते हैं और क्षेत्र के लोगों में कितनी उनके दिलों में जगह बना पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।